Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Yuvti ke saath 2 saal se ho raha tha rape. अपराधी ने भी गुनाह कबूल कर लिया, फिर भी कंकरखेड़ा पुलिस की ओर से नहीं की गई कोई कार्रवाई। दरअसल महिला को नौकरी का झांसा देकर इस पुरुष ने फंसा लिया, साथ ही नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए भी हत्या लिए। आरोपी पुरुष का पार्लर है, जो कि शारदा प्लाजा फॉरएवर के ऊपर है। पार्लर के पास ही रेपिस्ट ने एक रूम ले रखा है। यहीं पर पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाया करता था और उसके साथ शोषण करता था। युवती की 1 साल पहले शादी हो चुकी है, पति बाहर रहता है। सुनिए पीड़ित महिला से मिली जानकारी। आप एसएसपी ऑफिस क्या शिकायत लेकर आई हैं? मैं अपनी रेप की बलात्कार की एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। अमरीश त्यागी नाम है, उसने खुद पुलिस के सामने भी कल बोला है कि हाँ मैंने किया है, उसके बावजूद भी उसे छोड़ दिया। है तो ये कंकरखेड़े का, क्योंकि मैं कल घर गई थी तो मुझे थोड़ा डर लगा, तो मैंने कंकरखेड़े थाने वाले पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था। वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तब मुझे यहाँ आना पड़ा। एप्लीकेशन कब दी थी आपने? कल। आप उसके संपर्क में कैसे आई थी? मैं उसके यहाँ नौकरी के संपर्क में आई थी। क्या नौकरी करते थे? मैं उसके पार्लर में नौकरी एज ए रिसेप्शन वर्क करती थी। क्या कौन सा पार्लर था? मसाज पार्लर था या ब्यूटी पार्लर? दोनों था, यूनिसेक्स था। तो पार्लर था या फिर मसाज पार्लर था? दोनों था। किस नाम से? यूनिक के नाम से। कितने समय तक उसने आपके साथ बलात्कार किया? 2 साल से। 2 साल से लगातार? कहाँ कोई नशीला पदार्थ? कहाँ नशीला पदार्थ खिलाया था? पूरी बात बताओ एक बार, जो आपने पहले बताया था। आराम से, आराम से, पूरी बात बता दो आप पूरी, है ना? कैसे आपके संपर्क में आए? आप आज ऐसे तो आपको चाहिए मैं अपनी एप्लीकेशन लेके आई हूँ रेप की, जो मेरे साथ 2 साल से कंटिन्यू रेप हुआ जा रहा है, दिन रात डेली का है, और उस अपराधी ने भी कबूल किया है, जिसका नाम अमरीश त्यागी है। मैं कल उसके घर गई थी इस शिकायत को लेके कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ मुझे थोड़ा डर लगा, तो मैंने कंकरखेड़े थाने से पुलिस को बुलाया, उन्हें मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका पार्लर है शारदा प्लाजा फॉरएवर के ऊपर, ठीक है, नशीला पदार्थ खिला के उसको वहाँ पे उनने एक अलग से रूम भी ले रखा है पंजाबीपुरा में, और कई अन्य होटलों में भी लेके गया, जिनमें से एक सिग्नेचर वगैरह भी हैं। कैसे उसके संपर्क में आई थी? मैं उसके संपर्क में नौकरी के संपर्क में आई थी। उनने मुझसे 2 लाख रुपए लेके ये कहा था कि मैं आपकी नौकरी यहीं पे शिफ्ट कर दूंगा 20,000 रुपए महीने पे। पार्लर में? हाँ जी। ना वो मेरे 2 लाख रुपए दिए, ना मेरे सैलरी के पैसे दिए। उसी धमकी को देके मेरे घर की मारने की भी धमकी देता है और मुझे भी मारने की धमकी देता है, और ये कहता है मैं टीटू त्यागी गैंग का हेड मास्टर हूँ, मैंने कई मर्डर कर भी रखे हैं, तो तेरा कर दूंगा तो क्या जाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जी। कल पुलिस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया उन्होंने, पैसे वैसे लेके छोड़ दिया होगा। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसे दिखाया, ना कुछ करा। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब कल सुबह पुलिस को लेके गई थी, सुबह में नहीं दोपहर के टाइम पे, तो तब पुलिस वाले उसे बिठा के लेके आए थे, उनने पुलिस के सामने खुद एक्सेप्ट करा है, तब भी पुलिस ने छोड़ दिया उसे। आप क्या करती हैं? आप शादी से बाहर? हाँ जी। अभी आप यहाँ पे सीओ से मिले, क्या कहना है उनको? सीओ सर ने कहा है कि आप टीपी नगर जाके मिलो, टीपी नगर में आप इतनी मैं नूर नगर की। इंसाफ के लिए युवती सीओ से मिलने पहुंची। सुनिए सीओ दौराला अभिषेक से मिली जानकारी। एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, दुष्कर्म आरोप लगाए, किसका लगाया, क्या है पूरा मामला? एक लड़की जो किसी स्पा सेंटर में काम करती है, वहां पे काम करने वाले युवक के खिलाफ आरोप लगाया हुआ है, उसकी तहरीर प्राप्त हुई है, जांच करके उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है? टीपी नगर क्षेत्र का घटनाक्रम महिला ने बताया। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।